मीनू की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्जी। ये मैंने 500 ग्राम नेनुआ लिया है, जिसे छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दो टमाटर जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, हरा धनिया, ये मैंने फोरन में दो तेजपत्ता, दो लाल मिर्च, थोड़ा हींग और आधा चम्मच जीरा लिया है। दो चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे फोरन। गैस का फ्लेम लो रखें। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब डालेंगे नेनुआ। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिलाएंगे। सब्जी को ढककर हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी को अच्छी तरह हम मिलाएंगे। इसके बाद इसे फिर से हम कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी को बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। टमाटर को सब्जी में अच्छी तरह हम मिला लेंगे। सब्जी को ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर हल्के पक चुके हैं। सब्जी को बीच बीच में चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला, सब्जी तैयार है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया।